सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं देवेंद्र गौतम मुरादनगर से हापुड़ के लिए निकल रहा हूँ। मुझे काम है संदीप बोध जी के पास। तो साथियों, ये मोदी नगर का बस स्टैंड है, बहुत पुराना बस अड्डा है और यहाँ हमारी काफ़ी आबादी है। जहाँ ये बाबा साहब की आप स्टैचू देख रहे हैं, इस स्टैचू से पीछे टोटल हमारा समाज है। लगभग 20-25 हज़ार आदमी यहाँ पर हमारे समाज का रहता है। और ये परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैचू है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा आंदोलन करके समाज के व्यक्तियों ने यहाँ लगाई है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बाबा साहब की जो ये प्रतिमा लगी हुई है, इसे चारों ओर से घेरा हुआ लोग बीच रोड में, चारों ओर से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। और दुकानें लगने के साथ साथ में इनका चलो रोजगार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यह की जो स्थिति है, आप सभी साथी ये देखेंगे कि यह बाबा साहब की स्टैचू है, यहाँ कोई सौंदर्यकरण नहीं है। क्या है क्या नहीं है यहाँ पता नहीं चल पाता है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये देखिए, मोदी नगर का बस स्टैंड है, बिल्कुल मेन रोड पर, बस अड्डे के पास में बिल्कुल मेन रोड पर ये बाबा साहब की स्टैचू है। और मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि जितने भी साथी यहाँ रोड तक गुजरे हैं, यहाँ देखिए क्या हाल है, चार रोड पर यहाँ दुकानें हैं, ये है वो है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, हाथ जोड़ कर, जितने भी साथी यहाँ मोदी नगर बस अड्डे पर आए, वो बाबा साहब की प्रतिमा पर यहाँ एक बार घूम कर जरूर जाए। कोई चीज़ यहाँ दिख रही स्टैंड है या कोई है, रिक्शे वालों को अभी मैंने हटवाया, या केले की ठेली है, फलाने की ठेली है, क्या हम किसी मंदिर मस्जिद के सामने लगा सकते हैं ठेली ऐसे? ये बाबा साहब का अपमान नहीं है या हमारी आस्था का? तो फ्रंट पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इन सब लोगों को हड़का के जाया करें और यहाँ रुक के जाया करें, फूल हो तो भी, नींद नमन हो तो भी, लेकिन यहाँ दो मिनट के लिए, जिस तरीके से मैं यहाँ रुका अभी दो मिनट के लिए कि भाई मुझे जो है यहाँ बाबा साहब को उसे देखना है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ मोदी नगर कहीं से भी आए हैं, लेकिन यहाँ आप जो है यहाँ बाबा साहब की इस पर चाहे दो मिनट के लिए बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, अंदर आकर बातचीत करें, कुछ भी करें, लेकिन वीडियो बनाएं, सेल्फी लें, लेकिन आप सब लोग यहाँ रुकें जरूर। तो मैं देवेंद्र गौतम, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सम्मान एक अधिकार में स्वागत, धन्यवाद, जय भीम।